बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 का थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे थे हम। आज इसी का एक सब टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो इन बिटवीन है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। यानी सेमीकंडक्टर जो हैं ये जीरो केल्विन पे एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, और जैसे ही आप इनको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं या इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये कुछ कंडक्टिविटी शो करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है कि वो कंडक्टिविटी किस बेस पे होती है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए आप ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जिनमें जर्मेनियम सिलिकॉन वगैरह हैं, किसी एक क्रिस्टल को सपोज करें आपके पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, और सिलिकॉन के क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है फिगर नंबर 17.11 के अंदर आपको दिखाया गया है। ये जो बिगर सर्कल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप कंसिडर करें कि ये न्यूक्लियस हैं या पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स हैं सिलिकॉन की, और इसके अराउंड जो है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने इनको सराउंड किया हुआ है। जो ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है कि एक सिलिकॉन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मीन्स कि वो चार नेबर सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह आप देखें हर जो पॉजिटिव सर्कल है इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है जब ये फ्री होंगे। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पर स्टे किए हुए हैं, इनको इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फ्री करवाने के लिए इनकी थर्मल काइनेटिक मोशन जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इनकी थर्मल काइनेटिक मोशन जो है वो इंक्रीज़ करवाने के लिए इस पूरे क्रिस्टल का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इस क्रिस्टल का तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंड हैं इन कोवलेंट बॉन्डिंग, इनकी थर्मल मोशन इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्री हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे अपने कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के ये बाहर निकल जाएंगे तो ये अपनी जगह पे एक होल छोड़ जाएंगे। होल होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी होगी होल के अंदर। नाउ आप कंसीडर करें आपके पास कोई एक क्रिस्टल है जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट है ए बी सी डी। इस पिक्चर पे आएं जो पिक्चर नंबर 17.12 है। इस पिक्चर को स्टूडेंट्स देखें, चार जो हैं एटम्स अरेंज हैं सिलिकॉन के, आप कंसीडर करें ए बी सी डी। अब देखें जो एटम बी है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जो सी है उसके पास भी, इसके साथ जो ब्लू कलर का एक डॉट है वो इसका इलेक्ट्रॉन है, एटम डी का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि जो एटम ए है इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है, इसके पास क्या है एक होल है। इसका मतलब हुआ कि एटम जो ए है इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो बी कॉलम है उसके अंदर क्या होगा, बी जो था एटम उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया है एटम ए के होल के अंदर, और बी के इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल प्रोड्यूस हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है कॉलम नंबर सी, उसमें क्या हुआ है, एटम सी का इलेक्ट्रॉन बी में चला गया है और सी के इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल प्रोड्यूस हो गया है। नंबर डी जो कॉलम है वहाँ क्या हो रहा है, डी जो है एटम इसका इलेक्ट्रॉन एटम सी को चला गया है और इसकी जगह एक होल प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जो होल है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन और होल इसकी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप इसी पूरे क्रिस्टल के अंदर जिधर इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं इसको उठा के एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें, जो है फिगर नंबर 17.3 के अंदर। अब आपने इस क्रिस्टल को अटैच कर दिया एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो होल हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये मूव कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर एक
नेगेटिव चार्ज है ये मूव कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये थी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपरकंडक्टर्स। सुपरकंडक्टर जो हैं, कंडक्टर तो आप जानते हैं एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर सकता है, अपने अंदर से गुजरने देता है, ऐसे मटेरियल को आप बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से पास होती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर है इसके अंदर जो भी करंट फ्लो करेगा उसको मटेरियल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वो रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है 17.4, इसका नाम है सुपर कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर से भी कोई बेहतर चीज़ है हमारे पास। तो सुपर कंडक्टर को हम पहले डिफाइन कर लें। इसकी डेफिनेशन होगी, देयर आर सम मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टन टेम्परेचर, TC कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एज शोन इन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ इन फिगर नंबर 17.4। बिलो दिस टेम्परेचर सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। यानी जो भी कंडक्टर है या जो भी मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी वो मटेरियल उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अब होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है चार्जेस गुजरते हैं किसी भी कंडक्टर में तो जो रेजिस्टिविटी है चार्जेस को रोकने की कोशिश करती है। हमने पीछे से वोल्टेज पंप प्रोवाइड किया होता है, यानी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया होता है जो इन चार्जेस को पुश करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो सके। तो आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि अगर एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को आपने मज़ीद बेहतर बनाना है तो ये रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की ये कम हो जाए। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की, आप जानते हैं कि एटम्स जो हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमेशा ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने सेंटर के इर्द गिर्द। तो एटम्स की या इलेक्ट्रॉन्स की ओसिलेशन, एटम्स की ओसिलेशंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब है कि आप रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो एटम्स की जो वाइब्रेशंस है ये कनेक्टेड होती हैं टेम्परेचर के साथ। अगर किसी भी मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो एटम्स की वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, और अगर आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कम कर दें तो इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। यानी टेम्परेचर कम करने से वाइब्रेशन कम हो सकती है, और अगर आप टेम्परेचर इतना कम कर दें कि इनकी वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दिया। तो एक्चुअली सुपरकंडक्टर्स के अंदर ऐसा ही होता है कि मटेरियल का टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको एक दफ़ा आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो हमेशा इसके अंदर फ्लो करती रहेगी, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से नीचे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वैनिश हो जाती है, यानी उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, उस टेम्परेचर को आप बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये चीज़ आपको इस ग्राफ में भी शो की गई है, एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे लिया रेजिस्टिविटी और एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में लीनियर बिहेवियर है, लेकिन बिलो सर्टन टेम्परेचर क्या हुआ कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गया। आपने देखा कि जो कर्व है उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया है एक सर्टन टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई है, ज़ीरो, यानी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पे। तो सुपरकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बिलो अ सर्टन टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर बिकम्स ज़ीरो, ऐसे मटेरियल्स को आप बोलते हैं सुपरकंडक्टर। और सुपरकंडक्टर हम बनाएंगे किस तरह, मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करके। अच्छा जी, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, दे ऑफर नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एंड आर देयरफॉर परफेक्ट कंडक्टर्स।
यानी सुपर कंडक्टर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, सो ये परफेक्ट कंडक्टर होते हैं। वंस द रेजिस्टेंस फॉर मटेरियल ड्रॉप्स टू ज़ीरो, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड द करंट वंस इस्टेब्लिश्ड कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट इनडेफिनेटली विदाउट द सोर्स ऑफ एन EMF। यानी एक दफ़ा रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ज़ीरो हो गई तो उसके बाद जो है कोई एनर्जी तो लॉस होगी नहीं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। तो आपने एक दफ़ा करंट अगर इस्टेब्लिश कर देना है मटेरियल के अंदर, तो वो करंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा इस मटेरियल के अंदर विदाउट एनी सोर्स ऑफ EMF। तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही अमेजिंग मटेरियल होते हैं सुपर कंडक्टर, यानी कि इनके अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आप एक दफ़ा अगर इनको करंट प्रोवाइड करें तो वो करंट जो है इसके अंदर फ्लो करता रहेगा। अच्छा जी, अब इन सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किसने किया? द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय कैमरलिंग ऑर्न्स व्हेन इट वॉज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी डिसअपियर्स सडनली एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन। तो जो था कैमरलिंग ऑर्न्स, इसने 1911 में ऑब्जर्व किया जो मर्करी है इसका टेम्परेचर जब 4.2 केल्विन से नीचे चला गया तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये ज़ीरो हो गई इसकी रेजिस्टेंस और ये एक सुपर कंडक्टर बन गया। इसके अलावा सम अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.18 केल्विन, टिन 3.72 केल्विन एंड लेड 7.2 केल्विन ऑल्सो बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर। यानी ये जितने मटेरियल हैं मरकरी एल्यूमिनियम लेड टिन ये सारे जो हैं बिलो ए सर्टन क्रिटिकल टेम्परेचर ये सुपर कंडक्टर बन गए, लेकिन इनका टेम्परेचर जो है ये बहुत ही लो है और इतने लो टेम्परेचर को हासिल करना जो है वो आसान काम नहीं है। इसका मतलब है कि इस काम में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए और हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो थोड़े इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टर बन जाए। देन इन 1986 अ न्यू क्लास ऑफ सिरामिक मटेरियल्स वॉज डिस्कवर्ड दैट बिकम्स सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर्स एज हाई एज 125 केल्विन। यानी 1986 में सिरामिक मटेरियल्स की ऐसे मटेरियल्स डिस्कवर हुए जो सुपर कंडक्टर बन गए एट टेम्परेचर अप टू 125 केल्विन। यानी 125 केल्विन एक हाई टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू 4.2, 3.72, 7.2 केल्विन से। तो इनको बोलते हैं आप हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये इतने हाई टेम्परेचर यानी बहुत हाई तो नहीं है, लेकिन वो जो बहुत ही लो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर थोड़ा हाई है जिस पे ये सुपर कंडक्टर बन गए। एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज रेफर्ड एज अ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब कोई भी ऐसा सुपर कंडक्टर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से अबव है उसको आपने बोलना है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जिसका इससे कम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर उसको आपने बोलना है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब 77 केल्विन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का। किसी भी मटेरियल को जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 77 केल्विन से ज़्यादा होगा उसके ऊपर आप बॉइलिंग नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन जब डालेंगे तो उसका जो है उसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या वो उसी टेम्परेचर पे यानी 77 केल्विन पे जाके सुपर कंडक्टर बन जाएगा। रिसेंटली अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नॉन एज यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड Y2Ba2Cu3O7 हैव बीन रिपोर्टेड टू बिकम सुपर कंडक्टर एट 163 केल्विन और -110 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोफेसर याओ लियोन्स ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये कोई प्रोफेसर हैं जिन्होंने रिसर्च की और उन्होंने एक ऐसा मटीरियल बनाया जो कि कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन मटीरियल है जिसका नाम है यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और ये इतना अमेजिंग है कि ये 163 केल्विन पे ही सुपर कंडक्टर बन गया है। पर हैप्स वन डे इवन एट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर विल बी डिवेलप्ड एंड दैट डे विल बी अ न्यू रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज। सुपर कंडक्टर्स हैव मैनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन सच एज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
यानी MRI में यूज़ होते हैं सुपरकंडक्टर, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में यूज़ होते हैं सुपरकंडक्टर, पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स में और फास्टर कंप्यूटर चिप्स में भी जो है सुपरकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये हैं जी सुपरकंडक्टर्स की कुछ एप्लीकेशंस। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 17.4, सुपरकंडक्टर्स।